Hi, this is Prabhat Kumar, and I welcome you all to my YouTube channel, that is Prabhat Kumar Singh Muzaffarpur. Friends, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर CBSE classes 9 to 12 के study material और साथ में बिहार बोर्ड के क्लास 11 एंड 12 इंटरमीडिएट के स्टडी मटेरियल्स के वीडियोस डाले जाते हैं। उन स्टडीज मटेरियल्स में आपको लिटरेचर के पोएम्स, चैप्टर्स, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, इन सभी के वीडियोस अवेलेबल हैं और आगे भी कराए जा रहे हैं। तो लेकिन आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उस पोएम का नाम है द अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, अपॉन द वेस्टमिंस्टर, नॉट मिनिस्टर, MINSTER, मिंस्टर, नॉट मिनिस्टर, है ना। तो इस पोएम की बात करेंगे अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज की। हालांकि अभी जो मैंने बताया उन किसी भी क्लासेस में ये पोएम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली पोएम का कोई क्लास होता भी नहीं है। पोएम किसी भी क्लास में कोई भी पोएम पूछा जा सकता है, प्लस कई सारे एग्जामिनेशंस में उसके रीडिंग सेक्शंस में पोएम पूछे जाते हैं। तो ये पोएम आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आपको भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के पार्ट वन के सिलेबस में भी है, इसके अलावा रत्ना सागर का जो लिटरेचर बुक है उसके क्लास 7 में भी ये पोएम दिया गया है। तो इसलिए आइए हम इस पोएम को जानते हैं। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार हम आपको हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए इस अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज के राइटर और यानी पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं, साथ ही इस पोएम से रिलेटेड कुछ बातें जो यहाँ दी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि इंग्लैंड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स थे, इंग्लैंड के मतलब सबसे फेमस पोएट्स में से एक थे, एक्सेल्ड इन विविद एंड जॉयस डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। वो एक्सेल्ड मतलब उसमें एक्सपर्ट थे, अच्छे थे, विविध, विविद मीन्स विविधली, ये हिंदी से ही लिया गया वर्ड है, मतलब बहुत विभिन्न तरीकों से और जॉयस तरीके से जो है नेचर को ये एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का कई सारे क्लासेज में सीबीएसई में भी पढ़ना है, बहुत सारे पोएम्स इनके बिहार बोर्ड में भी पढ़ना है, डेफोडिल जो कि बहुत ही फेमस है। इन दिस पोएम हाउएवर, हालांकि इस पोएम में ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द क्राउडेड सिटी ऑफ लंदन। तो जनरली वो करते हैं नेचर के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इस पोएम में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक क्राउडेड सिटी जो कि है लंदन, है ना, भीड़ भाड़ वाले शहर लंदन के बारे में, एट ए टाइम ऑफ द डे, दिन के एक खास हिस्से में जो कि हम लोग पोएम में जानेंगे, व्हेन द क्राउड्स आर स्टिल एस्लिप, जब भीड़ एस्लिप होती है यानी सोई हुई होती है, एंड द बिल्डिंग्स एंड शिप्स आर ऑल इमर्स्ड इन डीप साइलेंस, है ना, और जब सारे बिल्डिंग्स जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स लंदन में है, और शिप की भी आवाज़ दिन बढ़ाती रहती है, जहाज़ों की, वो सब इमर्स्ड है। इमर्स्ड को याद रखेंगे, इमर्स्ड मतलब होता है डूबा होना, जैसे हम लोग मूर्तियों को विसर्जन करते हैं तो हम लोग कहेंगे वी, है ना, इमर्स द आइडल ऑन द विजयादशमी या सरस्वती पूजा के दो दिन बाद, तो इमर्स शब्द का करते हैं। तो वो सब कहाँ डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ पानी में नहीं, डीप साइलेंस में, सब शांति में डूबे हुए हैं, इन द क्लियर मॉर्निंग सनलाइट, और कब का वक्त है ये, एकदम मॉर्निंग का, सनलाइट का, एकदम अर्ली मॉर्निंग का है। बड़े शहरों में जैसे मुंबई, लंदन, ये सब जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इन सब की एक खासियत है, यहाँ देर रात तक लोग जगते हैं और देर तक सोए रहते हैं। द रिवर थेम्स, नदी का नाम है थेम्स, विच रन्स थ्रू लंदन, जो रन माने दौड़ती है नहीं, यानी लंदन से होकर गुजरती है, एज ए सीरीज ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस इट। तो इस नदी पे बहुत सारी है, सीरीज है, मतलब बहुत सारी है ब्रिजेज इस पर, है ना, एंड वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज वन ऑफ द ओल्डर एंड मोर फेमस अमंग देम। तो इनमें से बहुत सारे ब्रिज हैं, उनमें से एक ब्रिज, एक पुल जो है जिसका नाम वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, वो बहुत पुराना और ज़्यादा फेमस है उनमें से। द पोएट डिस्क्राइब्स व्हाट ही सीज,
पोएट इस पोएम में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जो वो देखते हैं एंड फील्स, और जो महसूस करते हैं स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज, वो इस ब्रिज पर स्टैंडिंग है खड़े होकर के, जो भी वो फील करते हैं और जो वो देखते हैं, है ना, तो उसे वो महसूस कर रहे हैं और इस कविता में उन्होंने लिखा है सून आफ्टर सनराइज, जो कि सनराइज के तुरंत बाद था। ही इज़ मूव्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द सीन, मूव्ड एकदम मूव्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम मतलब खुश हैं इससे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो आइए शुरू करते हैं पोएम अपॉन वेस्टमिनिस्टर्स ब्रिज, पोएम एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट लाइन है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शिव मोर फेयर। इसका मीनिंग ये है, पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अर्थ पर, है ना, पृथ्वी पर, धरती पर कोई ऐसा जगह नहीं है जो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। किससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हमने अभी राइटर के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की है कि वो एक समय कहाँ पे खड़े थे, तो वेस्टमिनिस्टर्स ब्रिज पर थे, बहुत खूबसूरत उनको नज़ारा लगा। तो वो कहते हैं कि पूरी धरती पर इससे सुंदर कोई सीन नहीं होगा, कोई दृश्य नहीं होगा। और फिर कहते हैं डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। डल होगा वो, यानी डल का मतलब यहाँ क्या हुआ, एक डल माइंड होगा, ए पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, डल ऑफ सोल यानी वुड बी एबल टू पास विदाउट बीइंग मूव्ड बाय द साइट हु विच इज मूविंग इन इट्स स्प्लेंडर। कहने का मतलब वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ब्यूटीफुल पसंद नहीं, वो दिल से एकदम डल होगा, जो आदमी यानी यहाँ से गुजर करके इसकी ब्यूटी को जरा रुक के नहीं देखेगा, वो डल होगा, डल माइंड होगा, इनका कहना डल हार्ट वाला होगा, सुस्त ये वाला, क्योंकि बहुत सुंदर है। देखिए इनको खूबसूरत लग रही है तो अपने नज़रिए से जरूरी नहीं है कि सभी को लगे, लेकिन इनका जो कहना है ए साइट सो टचिंग, ए साइट सो टचिंग मतलब बहुत ही टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, मतलब ये दृश्य जो है वो इतना टचिंग है, टचिंग कहते हैं ना यार, हार्ट टचिंग है ना, दिल को छू जाने वाला है, है ना, इट्स मैजेस्टी, मैजेस्टी माने शान होता है, वैसे योर मैजेस्टी महाराज हुजूर भी होता है, लेकिन यहाँ पर है कि इसकी शान जो है वो बहुत ही हार्ट टचिंग है, दिल को छू जाने वाला है। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक ए गारमेंट वेयर, यह सिटी जो है नाउ डॉथ, डॉथ आपको बता दे ये ओल्ड इंग्लिश है ना, डज का या डिड का या डू का जो भी कहिए उसका, ये ओल्ड इंग्लिश है, यानी दिस सिटी डज लाइक ए गारमेंट वेयर, है ना, कहने का मतलब है कि ये सिटी ऐसे लग रहा है जैसे कि ये ब्यूटी जो है की तरह, इस मॉर्निंग को एक ब्यूटी की तरह, सुंदरता की तरह इसने पहन लिया, वेयर माने पहनना, जैसे इसने सुंदरता को अभी पहन लिया हो, जैसे हम कपड़े कोई नया पहन ले, वैसे ही मॉर्निंग की सुंदरता को वो पहन लिया है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बियर, ये सुबह की जो खूबसूरती है ये और ये साइलेंट है, अभी यहाँ का माहौल कैसा है, साइलेंट है, बियर वैसे बियर माने होता है आपको जैसे बियर फुट का है तो नंगा, लेकिन यहाँ पर है नॉट कवर्ड, अभी कवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, यह रिलेटेड है आपको स्मोकलेस एयर से, ठीक है, यानी कि कवर्ड नहीं है, किस चीज़ से, यानी दिन में कवर हो जाता है, मॉर्निंग कवर इसलिए कवर, दिन में स्मोक से, फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से निकलने वाले स्मोक से ये पूरा शहर भर जाता है, लेकिन अभी जो है सो ये बियर है, है ना, खाली है, नंगा है, यानी उसमें जो है ना अभी कोई ये स्मोक नहीं है, ठीक है। और शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, शिप हैं या टावर्स, बहुत सारे टावर वो मतलब जैसे अपना कोई मीनार वगैरह है ना, डोम्स माने गुंबद होता है, जैसे मंदिर वगैरह का जो है वो होता है, ये सब अभी क्या हो रहे हैं, ये सभी अभी जो है सो वो क्लियर हैं, यानी कि है ना, ये थिएटर्स कोई वो सिनेमा हॉल है, टेम्पल्स है, ये सब ओपन अन टू द, या तो फील्ड में या फिर स्काई में, यानी नीचे यहाँ से दिख रहे हैं तो भी क्लियर, आकाश में वो जो डोम्स ऊंचे ऊंचे इस चित्र में आप इस फिगर में देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे आकाश में वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जब दिन होगा तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेगी, इधर से शिप चलता होगा, उधर आकाश में धुएँ होंगे, मतलब ये सब क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन इस समय जो है ये मॉर्निंग का आवर है, इसलिए ये कहते हैं कि लंदन जो है वो एक्चुअली ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना, तो ड्यूरिंग द डे, ये चूंकि पुरानी कहानी है, उस समय जो है स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड,
है ना, यानी दिन में बहुत सारा कोयला। अभी अपने यहाँ भी आप लोग मतलब बहुत पहले 10-15-20 साल पहले आप देखते तो सारे होटल्स में आपको या जो भी जो खाना बनाने वाला रेस्टोरेंट्स है, चाय की दुकानें, सब कोयले पे ही बनता था। तो उसके स्मोक्स नेचुरल है, और ये तो बड़ा शहर था तो ज़्यादा यूजेज होता था, तो लकड़ी और कोल से जो जलता था उससे धुआं पूरा भर जाता था। लेकिन इस समय सुबह में वहाँ पर कोई स्मोक नहीं है। और इसी प्रकार से शिप और बिल्डिंग ये सब अभी बेयर मतलब जो है सो नज़र आ रहे हैं, सब एकदम शांत है और आसमान में ज़मीन में सब दिखाई दे रहे हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, है ना, सब कुछ जो है वो चमकता दिख रहा है, ब्राइट है ना और ग्लिटरिंग है ना, ब्राइट मीन्स रोशनी से भरा, ग्लिटरिंग माने चमकता हुआ, इन द स्मोकलेस एयर, क्योंकि अभी का एयर भी जो है वो स्मोकलेस है, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, है ना, और ऐसा जो है सो सूर्य भी कभी इतनी सुंदरता से जो है सो नहीं मतलब दिखा दिखता था। कहने का मतलब कि सनलाइट का जो ब्यूटी है वो भी इतना है ना वो सुंदर नहीं दिखाई देगा जितना कि कहीं वैलीज या इन सब में से निकलता हुआ दिखे, क्योंकि अभी सुबह में है वही एकदम क्लीन क्लियर सूर्य भी नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है उसमें चूंकि वह ब्रिज पर खड़े हैं तो नदी में उसका चित्र आ रहा होगा, तो ऐसे ही लग रहा होगा जैसे हम किसी हिल साइड में आ जाए, लेकिन उससे भी ये कह रहे हैं कि ये बेटर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, अच्छा ये ऊपर वाले ही लाइन का है कि कोई भी इतना सुंदर नहीं दिखेगा चाहे वो कितनी भी शानदार घाटी हो या रॉक हो या हिल हो। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट ए काम सो डीप, और मैंने कभी न देखा और न कभी महसूस किया एक काम, CALM काम, काम माने शांत, सो डीप द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, क्या मतलब है, कहने का मतलब कि ये नदी के बारे में कह रहा है कि ना मैंने इस नदी को कभी देखा न कभी महसूस किया इतना शांत, है ना, शांत मतलब अभी कोई शोर शराबा नहीं है तो उसकी पूरी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। ग्लाइडेथ मतलब वही ग्लाइड करना, जैसे उड़ने वाला चीज़ ग्लाइड करता है, तो यहाँ तो पानी है ना, तो वो फ्लो करेगा। द रिवर ग्लाइडेथ यानी ये नदी जो है वो बह रही है एट इज ओन स्वीट विल, अपनी मतलब हाँ मधुर इच्छा से, विल माने इच्छा भी होता है, विल एक तो शैल विल, और यहाँ की मतलब अपनी इच्छा से जो है वो बह रही है और मधुर इच्छा से एकदम स्वीट जैसा उसका मन करा है। डियर गॉड, फिर ये प्रे करते हैं डियर गॉड की, हे ईश्वर द वेरी हाउसेज सीम asleep एंड ऑल दैट mighty हार्ट इज lying स्टिल, है ना, कहते हैं द वेरी हाउसेज, वेरी वेरी माने यदि आप समझ रहे हो बहुत तो नहीं, गलत बात है, बहुत नहीं होता है यहाँ पर इसका मीनिंग, है ना, यानी खास, खास के सेंस में है ना, खास के सेंस में, जैसे कहेंगे हम कि अरे दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड टू बाई, ये वही खास किताब है जिसे मैं खरीदना चाहता था, ठीक है। तो कहता है कि एक्चुअली इसका एक जगह पर दिया हुआ है, आप इसके इसको एक्सप्लेन में इंग्लिश में ही कर देता हूँ, द माइटी हार्ट ऑफ लंदन इज द लार्ज एंड पावरफुल ह्यूमन इंटरप्राइज इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल कल्चरल कमर्शियल दैट टेक्स प्लेस इन द सिटी ईच डे, इट इज ऑल लाइंग स्टिल एट दिस टाइम ऑफ द डे, कहने का मतलब ये है कि यह इस समय पर जो है मतलब लंदन क्या है पूरा इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल मामले में भी ये यहाँ पर सब प्रधानमंत्री वगैरह सब रहते हैं, है ना, कल्चरल दृष्टिकोण से भी कमर्शियल दृष्टिकोण से भी ये दिन भर सब बिजी रहता है, लेकिन अभी सब क्या हैं और है ना सब असली महसूस हो रहे हैं, जैसे सब सोए हुए महसूस हो रहे हैं और सब जो है सो एकदम स्टिल है, सब बिना हिले डुले हैं, एकदम शांत है स्थिर है एट दिस टाइम ऑफ द डे, इस डे के टाइम पर, ओके। और फाइनली ये रहा आपके स्क्रीन पर इस पोएम अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज के से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।